हाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। वॉइस क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। यस सर।
लास्ट क्लास में जो भी चीजें डिस्कस हुई थी उसमें किसी को कोई दिक्कत? लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंगल एंडेड और डबल एंडेड आउटपुट डिस्कस किया था, वर्चुअल शॉट, वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है वो डिस्कस किया था, ठीक, और ये ब्लॉक डायग्राम डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, वोल्टेज ट्रांसफर कर्व फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। वोल्टेज ट्रांसफर कर्व फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सभी को वॉइस क्लियरली आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अभी तक हम लोगों ने जितना ऑप एम्प का बेसिक पढ़ा उस हिसाब से हमने देखा कि अगर ऑप एम्प ओपन लूप में है, ठीक, मीनिंग उसमें फीडबैक नहीं कनेक्टेड है, तो अगर तुमने दोनों टर्मिनल पे यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल तुमने इनपुट प्रोवाइड किया वी वन और वी टू, तो आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों के डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा। और आइडियल ऑपएम्प के केस में ये जो गेन होता है ओपन लूप गेन, ये इंफिनिटी होता है, राइट? इतनी बात हम लोगों ने देखी ना। अब आते हैं, लेट्स से एक चीज बताओ, यहां जो हमने ऑपएम्प को सप्लाई दी है पॉजिटिव में मैक्सिमम सप्लाई कितनी दी है, प्लस वीसीसी, और नेगेटिव में सप्लाई दी है मैक्सिमम माइनस वीईई, ठीक। तो ये सोचो कि ये बेसिकली वो सप्लाई है जिससे ये ऑपएम्प काम कर रहा है, तो क्या कभी आउटपुट इस पॉजिटिव सप्लाई से ज्यादा या इस नेगेटिव सप्लाई से कम हो सकता है, हाँ कि नहीं? आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू प्लस वीसीसी से ज्यादा हो सकती है? क्लास में हो या अभी भी क्विज की कॉपी स्कैन कर ही रहे हो? सर है। सर। चलो ठीक है, एक सिंपल पॉइंट समझो कि
तुमने कोई डिवाइस अपने घर में कनेक्ट किए, घर के सॉकेट, ठीक, तो उस सॉकेट से जो सप्लाई आ रही है, मैक्सिमम तुम्हारी वो डिवाइस उतना ही आउटपुट दे सकती ना, उससे ज्यादा तो कुछ खुद कर नहीं सकती, उस सप्लाई से ज्यादा तो आउटपुट दे नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो खुद से जनरेशन कर रही हो, काम इसी सोर्स जो सप्लाई वोल्टेज दिया जा रहा है उसी की हेल्प से हो रहा है। तो जो वी नॉट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, वो कितनी हो सकती है, प्लस वीसीसी, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, माइनस वीईई। यानी पॉजिटिव में ये प्लस वीसीसी से ऊपर नहीं जा सकता और नेगेटिव में ये माइनस वीईई से नीचे नहीं जा सकता आउटपुट वोल्टेज। अब देखो, लेट्स से हमने कहा कि V1 इज इक्वल टू है 3 वोल्ट और V2 इज इक्वल टू है 2 वोल्ट, ठीक, तो VD की वैल्यू कितनी आएगी, 3 माइनस 2, 1 वोल्ट। अब इस इक्वेशन से अगर हम आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करें V0, तो वो कितना आएगा, VD की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब यहां ये कह क्या रहा है कि तुमने अगर V1 इज इक्वल टू 3 वोल्ट दिया, V2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट दिया, तो आउटपुट क्या आएगा, इनफाइनाइट, है ना, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। भले ही ये आइडियल ऑपम है, लेकिन कोई भी चीज इनफाइनाइट तक नहीं दे सकती, क्यों, क्योंकि इस ऑपम को सप्लाई जो तुमने दे रखी है वो मैक्सिमम पॉजिटिव सप्लाई प्लस वीसीसी है, तो आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम पॉजिटिव जो आ सकता है वो प्लस वीसीसी के बराबर आ सकता है। यानी इस केस में प्लस ये इंफिनिटी तक नहीं जाएगा, वी नॉट प्लस वीसीसी पे रुक जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। लेट्स से अब हमने V2 को 2 वोल्ट से बदल के 5 वोल्ट कर दिया। नाउ अब VD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 5 व्हिच इज इक्वल टू माइनस 2 वोल्ट। और अगर आप V0 निकालोगे तो ये क्या आएगा, इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 वोल्ट व्हिच इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी, ठीक। नेगेटिव में ये मैक्सिमम आउटपुट कितना आ सकता है, माइनस वीई के बराबर, तो वी नॉट इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी ना जाके माइनस वीई के तक रहेगा। यानी हमें पता क्या चला कि अगर वीडी ग्रेटर देन जीरो है, यानी पॉजिटिव है, तो वी नॉट क्या आ रहा है, प्लस वीई के बराबर, सॉरी प्लस वीसीसी के बराबर। हमेशा किसी भी वोल्टेज को अप्लाई करो, अगर वीडी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हमेशा आउटपुट इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी आ रहा होगा, और प्लस इंफिनिटी तक जा नहीं सकता, मैक्सिमम प्लस वीसीसी के बराबर। इसी तरह से अगर वीडी लेस देन जीरो तो वी नॉट माइनस वी ईई के बराबर होगा, ये वीसीसी है और ये वी माइनस वीई के बराबर होगा, ठीक। और एट VD इज इक्वल टू जीरो, VD इज इक्वल टू एग्जैक्टली जीरो पे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू एग्जैक्टली डिफाइन नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसे ही तुम जीरो प्लस पे जा रहे हो, जीरो से जस्ट इंक्रीज कर रहे हो, आउटपुट वोल्टेज प्लस VCC हो रहा है, और जैसे ही VD से नीचे जा रहे हो, आउटपुट वोल्टेज माइनस VEE हो रहा है। और देखो यहां पे ध्यान से देखो, ग्राफ भी कुछ ऐसे ही दिखा रहा है, एग्जैक्टली जीरो पे स्विचिंग हो रही है, यहां पे जीरो माइनस पे आउटपुट कितना है, माइनस VEE, जीरो प्लस पे आउटपुट कितना है, प्लस VCC, क्योंकि इधर सब पॉजिटिव वैल्यूज दिखाई दे रही है और इधर सब नेगेटिव दिखाई दे रही है। एट जीरो, एग्जैक्टली एट जीरो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में, ठीक।
ये जो ट्रांजैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, ये जो एग्जैक्टली जो ट्रांजैक्शन है, ठीक, ये रीजन जहां पे ट्रांजैक्शन हो रहा है प्लस और माइनस के बीच में, उसको हम बोलते हैं लीनियर रीजन। ठीक, और वो रीजन जहां पे आउटपुट सैचुरेट हो गया, ठीक, जैसे देखो यहां पे मैं क्या कहा, आउटपुट प्लस इंफिनिटी आ गया, ठीक, प्लस इंफिनिटी नहीं आ सकता, मैक्सिमम वैल्यू पे सैचुरेट हो गया, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू पे सैचुरेट हो गया है और मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू पे सैचुरेट हो गया, यानी इससे इक्वेशन कुछ भी रिजल्ट करे लेकिन आउटपुट यही आएगा। इस इक्वेशन को उसने फॉलो करना बंद कर दिया है, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन के हिसाब से सप्लाई वोल्टेज से भी ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है, दैट इज व्हाई यहां पे इसको सैचुरेशन रीजन बोला गया है और इधर इसको भी सैचुरेशन रीजन। नाउ अब थोड़ा लीनियर रीजन पे ध्यान दो। लीनियर रीजन जो है वो बेसिकली क्या है, वो है एग्जैक्टली एट VD इज इक्वल टू जीरो, एग्जैक्टली एट VD इज इक्वल टू जीरो पे है लीनियर रीजन। VD इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस V1 इज इक्वल टू V2। ध्यान करो, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने कल की लास्ट क्लास में एक कंडीशन पढ़ी थी, क्या नाम था उसका, वर्चुअल शॉर्ट। ठीक, हम इस ग्राफ से ये चीज समझ पा रहे हैं कि भाई जब तक आइडियल ऑपएम्प लीनियर रीजन में रहेगा तब तक हम ये वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। वर्चुअल शॉर्ट का मतलब क्या है, जितना वोल्टेज यहां दिखाई देगा उतना ही वोल्टेज यहां भी दिखाई देगा, जितना V1 के टर्मिनल पे, इस टर्मिनल पे, टर्मिनल A पे दिखाई देगा उतना ही टर्मिनल B पे दिखाई देगा, V1 इज इक्वल टू हमेशा V2 रहेगा। ठीक, देखो ये पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि A यानी ओपन लूप गेन जो था वो इनफाइनाइट था, तो हमें ध्यान क्या रखना है कि वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन तभी वैलिड होगी जब ऑपएम्प का गेन इंफिनिटी हो, पहला पॉइंट। दूसरा, ऑपएम्प लीनियर रीजन में काम कर रहा है, पहला चीज ओपन लूप गेन इसका इंफिनिटी हो, दूसरी चीज वो लीनियर रीजन में काम कर रहा, तभी हम ये वर्चुअल शॉर्ट वाली कंडीशन लगा सकते। इन जनरल जितनी भी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे या जो भी तुम्हारे लेवल पे क्वेश्चन आएंगे वहां पे ऑपएम्प लीनियर रीजन में ही काम कर रहा होगा और इंफिनिटी गेन भी होगा उसका। ठीक है, इसमें आइडियल ऑपएम्प के केस में किसी को ट्रांसफर कर्व में कोई दिक्कत, No, sir. अब हम देखते हैं कि यही वोल्टेज ट्रांसफर कर्व, अब एक चीज ध्यान देना, वोल्टेज ट्रांसफर कर्व हमने बनाया किसके किसके बीच, आउटपुट वोल्टेज वाई एक्सिस पे और V1 माइनस VT यानी डिफरेंस वोल्टेज VD एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, काफी बार तुम लोग ऐसा करते हो जब ग्राफ बनाते हो तो ये क्वांटिटीज भूल जाते हो, जैसे कई लोगों ने BJT की कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन 2 में बनाई है और उसमें भूल गए हैं कि कहाँ पे I होता है और कहाँ पे V होता है, या कौन सा V है, कौन सा VCB कहाँ पे लगाना है या VEB कहाँ पे लगाना है, ये चीजें भूल गए। तो एक्स एक्सिस में वोल्टेज ट्रांसफर कर VD और यहाँ पे V2, याद रखने के लिए वोल्टेज ट्रांसफर कर्व है, हमने हमेशा बताया जब भी वर्ड ट्रांसफर आ जाए तो मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई रिलेशन लिया जाए, जैसे हम लोग वहां ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखते थे तो इनपुट करंट
और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाते थे। इसी तरह से ये वोल्टेज ट्रांसफर कर्व है, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में कर्व, ठीक है। अब अगर यही जो तुम्हारा ऑपएम्प है वो प्रैक्टिकल ऑपएम्प होता, ठीक, तो प्रैक्टिकल ऑपएम्प होने का मतलब है इसका जो ओपन लूप गेन है अब वो इन्फिनिटी ना होके कुछ फाइनाइट वैल्यू होती, पॉजिटिव और ये कुछ इसकी फाइनाइट वैल्यू होती। प्लस से यहाँ वी वन अप्लाई किया है, ये वी टू, इधर भी हमने प्लस वी सी सी ही अप्लाई किया है, इधर माइनस वी, ये वी नॉट इज इक्वल टू ए वी डी। समझने के लिए हमने क्या कहा कि a इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, एक फाइनाइट वैल्यू लेनी थी तो हमने कहा कि ओपन लूप गेन जो है वो 10 है। प्लस VCC हमने कहा 5 वोल्ट इधर अप्लाई किया है और इधर भी माइनस 5 वोल्ट अप्लाई, जो पॉजिटिव वोल्टेज मैक्सिमम जो अप्लाई किया है वो 5 वोल्ट और जो नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई किया है वो माइनस 5। अब अप्लाई करते हैं वोल्टेज, जैसे V1 इज इक्वल टू है 5 वोल्ट एंड V2 इज इक्वल टू है 5.2 वोल्ट। तो इस केस में V0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 5.2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, है ना। अब ध्यान से देखो ये जो आउटपुट वोल्टेज माइनस 2 वोल्ट क्या ये माइनस 5 वोल्ट से ज्यादा है? यस सर, है ना, यस सर, दैट मींस ये वाली वैल्यू आउटपुट में आ सकती है ना, नेगेटिव में हम माइनस 5 से नीचे नहीं जा सकते, ये वाली वैल्यू आ सकती है। यहाँ पे आउटपुट माइनस 2 वोल्ट आ सकता है, मीनिंग इस टाइम पे जो ऑपएम्प है वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक ना। अब हम क्या कर रहे हैं, 5.2 को चेंज कर रहे हैं 5.7 वोल्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम 5.7 वोल्ट कर रहे हैं। अब V नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 5 minus 5.7 which is equal to minus 7 volt. अब ये minus 7 volt इस minus 5 से below हो गया है ना, negative की value इससे ज्यादा नहीं ले सकता, minus 5 से ज्यादा नहीं ले सकता ये, क्योंकि minus VEE हमने minus 5 volt लगाया, that means यहाँ पे minus 7 volt output नहीं आएगा, output क्या आएगा, माइनस 5 वोल्ट। अब ध्यान से समझो यहां पे इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है ऑपएम्प, इस इक्वेशन को अगर फॉलो करता तो आंसर आता माइनस 7 वोल्ट, लेकिन इक्वेशन को फॉलो किए बिना माइनस 5 वोल्ट आंसर दे रहा है। सिमिलरली अगर हम वोल्टेजेस फिर बदले, यहाँ पे हमने 5.2 वोल्ट अप्लाई किया और इधर 5 वोल्ट अप्लाई किया, तो उस केस में वी नॉट कितना आएगा, वी नॉट इज इक्वल टू 10 5.2 माइनस 5 व्हिच इज इक्वल टू 2 वोल्ट, यहाँ पॉजिटिव 2 वोल्ट है और ये पॉजिटिव 2 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट से कम है, और जब तक ये प्लस 5 वोल्ट से कम रहेगा तब तक ये इस इक्वेशन को फॉलो करेगा और आउटपुट वी नॉट जो है वो 2 वोल्ट के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगेन इसको हमने 5.8 वोल्ट किया, जैसे ही हमने इसको 5.8 वोल्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, 5.8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट,
पॉजिटिव 8 वोल्ट, और हमें पता है पॉजिटिव में 5 वोल्ट से ऊपर तुम जा ही नहीं सकते, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, प्लस 5 वोल्ट। यानी जब तक सैचुरेशन वोल्टेजेस से, ये दोनों जो वोल्टेजेस हैं इनको सैचुरेशन वोल्टेज भी बोलते हैं, कई जगहों पे तुम्हें लिखा मिलेगा प्लस वी सेट और ये लिखा होगा माइनस वी सेट, कई सारी बुक्स में ऐसा लिखा मिलेगा, जिसको हम लोगों ने माइनस वीईई और प्लस वीसीसी माना है उसको कई लोग कई बुक्स में प्लस वी सेट और माइनस वी सेट भी लिखा, क्योंकि ये सैचुरेशन वोल्टेज होते हैं, इनके बाद वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज इनके अबव नहीं होता। ठीक, तो हमें क्या दिखाई दिया कि जब जब आउटपुट वोल्टेज इन प्लस 5 और माइनस 5 इसकी रेंज में के अंदर था, तब तक इस इक्वेशन को ये फॉलो कर रहा था, और जैसे रेंज से अबव गया इसने आउटपुट वोल्टेज को प्लस 5 और माइनस 5 पे सैचुरेट किया। मीनिंग अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अभी इन पॉइंट्स को हमने कैसे लिखा, अभी इसकी बात करते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा, V नॉट की वैल्यू यानी A इंटू वी डी की वैल्यू जब तक लेस देन थी प्लस VCC से, तब तक V नॉट A VD को फॉलो कर रहा था। यही तो देखा, A इंटू वी डी की वैल्यू अगर लेस देन है प्लस VCC से तो A नॉट जो था V नॉट जो था वो A इंटू VD वाली इक्वेशन को फॉलो कर रहा था, और जैसे ही AVD ग्रेटर देन हुआ प्लस VCC से, तुरंत V नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस VCC, यहां वाली कंडीशन। सिमिलरली AVD जब तक ग्रेटर देन था माइनस VEE से, तब तक वो आउटपुट को फॉलो कर रहा था ए वी डी से, ये वाली कंडीशन, और जैसे ही ए वी डी लेस देन हुआ माइनस वीईई से, तुरंत वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वीईई के बराबर आ गया, ये वाली कंडीशन। यानी जब वी डी लेस देन होगा प्लस वी सी सी अपॉन ए से, तब V नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, AVD। जब VD ग्रेटर देन होगा प्लस VCC अपॉन A से, तब V नॉट क्या आएगा, प्लस VCC। जब VD ग्रेटर देन होगा माइनस VEE अपॉन A से, तब V नॉट क्या आएगा, AVD। और जब VD लेस देन होगा माइनस VEE अपॉन ए से, तब वी नॉट क्या आएगा, माइनस वी ई। इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। अब ये जो हम लोगों ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या रिलेशन फाइंड आउट किया है, इसकी हेल्प से हम ग्राफ बनाते हैं। देखो, दो एजेस थी, एक VCC by A और दूसरी माइनस VEE by A। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करोगे, x एक्सिस पे ये दोनों पॉइंट को डिनोट करो, माइनस VEE by A और प्लस VEE by A। ठीक, हमें पता है कि प्लस VEE by A से अगर ग्रेटर देन होगा, इससे आगे अगर हम बात करेंगे, ठीक, इस पॉइंट से आगे, तो तुम्हारी आउटपुट जो है V नॉट वो प्लस VCC पे सैचुरेट रहेगा। यहां ये बात, VD ग्रेटर देन है प्लस VCC बाई A से, तो V नॉट प्लस VCC है। सिमिलरली जब VD ग्रेटर देन है माइनस VEE by A से, सॉरी, जब VD लेस देन है माइनस VEE by A से, तब V नॉट कितना है, माइनस VEE।
ये वाला पॉइंट। ये दोनों रीजन क्या हो गए, सैचुरेशन रीजन, और माइनस वीडीई से बिलो और प्लस वीसीसी से बिलो, इस रेंज के अंदर आउटपुट जो है वो एवीडी की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ध्यान से देखो तो एवीडी क्या दिखा रहा है, वी नॉट इज इक्वल टू ए वीडी, एक लीनियर लाइन की इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप ए है, क्योंकि हम कर्व जो बना रहे हैं वी नॉट और वीडी के बीच में बना रहे हैं, तो ये लाइन यहां पे दिखाई दे। प्रैक्टिकल ऑप एम्प और आइडियल ऑप एम्प में डिफरेंस दिखाई दिया, प्रैक्टिकल ऑप एम्प में जो स्विचिंग थी वो विद इन जीरो टाइम हो जा रही थी, जबकि सॉरी आइडियल ऑप एम्प में जो स्विचिंग थी प्लस वीसीसी और माइनस वीईई के बीच में वो जीरो टाइम में हो जाती थी, विद इन जीरो टाइम ये माइनस वीईई से प्लस वीसीईई हो जा रहा था, यहां पे एक प्रॉपर टाइम लग रहा है। इसका लीनियर रीजन उस तरह से नहीं है, यहां पे जो लीनियर रीजन है वहां पे वीडी इज इक्वल टू जीरो फॉलो नहीं हो रहा है, वीडी इज इक्वल टू जीरो वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक। दैट इज व्हाई प्रैक्टिकल ऑप एम्प में हम लोग वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन नहीं लगाते, न वर्चुअल शॉर्ट की न वर्चुअल ग्राउंड की, ठीक है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हमें रिक्वायर्ड थे इस ऑपएम्प की एप्लीकेशंस पे जाने के लिए वो हम लोगों ने आज फुलफिल कर लिए, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ऑपएम्प, एप्लीकेशन ऑफ इस ओपैम को हम यूज कर सकते हैं ओपन लूप में, मीनिंग कोई फीडबैक नहीं लगाया, या क्लोज लूप में। इस ओपैम को हम या तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते हैं या क्लोज लूप में यूज कर सकते हैं। ओपन लूप में हम इसको किस किस तरह काम करा सकते हैं, कंपैरेटर इससे बनाते हैं तो ओपन लूप में ही रखते हैं, ठीक। इन जनरल कंपैरेटर जब हम बनाते हैं तो ओपन लूप में रखते हैं। दूसरा हम लोगों ने अभी देखा था जब डिफरेंस एम्पलीफायर देखा या ओपन लूप डिफरेंस एम्पलीफायर देखा, ओपन लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखा, ओपन लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखा, वो चीज भी हम लोग ओपन लूप से बना सकते हैं। अब बात आती है मेजर जो इसकी एप्लीकेशन से वो क्लोज लूप पे, मतलब विद फीडबैक, जब फीडबैक लगा दोगे तब वहां पे एप्लीकेशन जाना। अब फीडबैक तुम्हारे दो टाइप के हो सकते हैं और उन दो टाइप के फीडबैक के हिसाब से एप्लीकेशंस को हम देखते हैं। एक तुम्हारा नेगेटिव फीडबैक हो सकता है, दूसरा पॉजिटिव फीडबैक। अभी बताते हैं ये क्या होता है नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में इसकी एप्लीकेशन ज्यादा होती है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक में इसकी एप्लीकेशन लिमिटेड है, ठीक। ये तुम्हारे लेवल पे अगर कहा जाए तो ये ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। तुम्हें जो एप्लीकेशन पढ़नी है केवल नेगेटिव फीडबैक की पढ़नी है, तुम्हें बस पता होना चाहिए एक एप्लीकेशन की पॉजिटिव फीडबैक में ओपन को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो याद रखेंगे ऑसिलेटर की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं जब हम पॉजिटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक में कौन कौन सी एप्लीकेशन है, ये यूनिटी एम्पलीफायर, यूनिटी एम्पलीफायर की तरह काम कर सकता है, ये इनवर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम कर सकता है। ये जो इनवर्टिंग एम्पलीफायर था ये पिछले वाले इनवर्टिंग एम्पलीफायर से डिफरेंस होगा, डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि ये क्लोज लूप होगा, यहाँ फीडबैक लगा हुआ है, क्लोज लूप इनवर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक। समर की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक।
समरियर यानी एडर की तरह, सबट्रैक्टर की तरह यूज किया जा सकता है, इंटीग्रेशन के लिए यूज किया जा सकता है, इंटीग्रेटर की बनाया जा सकता है इससे, सब डिफरेंशिएटर बनाया जा सकता है इससे, हमें वन बाय वन सारी एप्लीकेशंस इसकी देखनी है, ठीक। एक एप्लीकेशन का जो तरीका है काम करने का वो अच्छे से समझना, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी एप्लीकेशन उन सब जगहों पे है, जो न्यूमेरिकल है उन सब जगहों पे सेम कॉन्सेप्ट तुम्हें लगाना है, ठीक। जैसे ये क्लोज लूप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में लिखा, वैसे क्लोज लूप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी होता है। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक में डिफरेंस क्या है। लेट्स से ये एक डिवाइस है जिसमें तुम ये इनपुट दे रहे हो और यहाँ पे आउटपुट है, ठीक। और ये आउटपुट इस इनपुट से आके इस फीडबैक के थ्रू कनेक्ट होता है। ये क्या है? फीडबैक। अब सोचो x यहाँ पे इनपुट दिया गया, इस डिवाइस का जो गेन है वो कह रहे हैं a है, ठीक। तो यहाँ जो आउटपुट आएगा y वो क्या होगा? a इंटू x। अब यही a इंटू x यहाँ फीडबैक में आएगा और इधर पहुंचेगा, ठीक। अब ये जो फीडबैक से यहाँ पे जो चीजें आ रही है, यहाँ पे अगर ये फीडबैक से जो आउटपुट की जो भी इंफॉर्मेशन फीडबैक से यहां जाके इनपुट में ऐड हो रही है, मतलब यहां से जो इनपुट जा रहा है वो पॉजिटिव है और यहां जाके यहां से जो आउटपुट की इंफॉर्मेशन जा रही है वो पॉजिटिव है और यहां जाके इनपुट में ऐड हो रही है, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव फीडबैक। यानी फीडबैक जो जा रहा है वो पॉजिटिव जा रहा है, इनपुट में ऐड हो रहा है, ठीक। इन केस नेगेटिव फीडबैक होता तो क्या होता कि y इज इक्वल टू ax की वैल्यू यहां से तो जाती ax एज अ इनपुट, लेकिन ये काम क्या करता है, इसको माइनस ax में चेंज कर देता और फिर यहाँ पे क्या पहुंचता, x माइनस ax। यहाँ पे जो इधर से इनपुट जा रहा होता है वो क्या होता है, x माइनस ax। अगर हम जो फीडबैक अप्लाई कर रहे वो कुछ इस तरह से है कि फीडबैक का इनपुट हमारे नॉर्मल इनपुट से सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव फीडबैक। हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव फीडबैक। तो अब हमारे ऑपएम्प में जब हमें नेगेटिव फीडबैक लगाना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फीडबैक हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाएंगे तभी वो नेगेटिव फीडबैक बनेगा। इन जनरल जब हम नेगेटिव फीडबैक लगाना होगा तो ऑपएम्प में इन्वर्टिंग फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक कैसे लगाएंगे, हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फीडबैक लगाएंगे, मतलब ये हमारा ऑप्टिम था, ये पॉजिटिव, इधर हम नेगेटिव कर रहे हैं, ये इन्वर्टिंग टर्म, नॉन इन्वर्टिंग टर्म में और वो इन्वर्टिंग टर्म। ए मेरा जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल है और बी जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्म। ये इनपुट दिए जा रहे हैं वी वन और वी टू और यहां से ये आउटपुट दिया जा रहा है। इस आउटपुट को अगर हमने इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक फीडबैक के थ्रू कनेक्ट कर दिया तो अब जो सर्किट है वो क्लोज लूप हो गया है, लूप यहाँ पे क्लोज हो गया है। और यहां जो हमने फीडबैक लगाया है वो कैसा है, नेगेटिव फीडबैक। जब भी आप इन्वर्टिंग टर्मिनल से फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव फीडबैक।
बात समझ में आई कि नेगेटिव फीडबैक क्या है? यस सर। यस सर। सभी लोग यस सर क्लास को रीजॉइन कर लो। यस सर।